हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो फ़ोन है तो ओप्पो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ब्राइटनेस प्रॉब्लम है तो ब्राइटनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं कुछ इस तरीके से हमारे फ़ोन में शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही जो ऑल आइकन्स हैं इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। तो ब्राइटनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सिंपल आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो ब्राइटनेस प्रॉब्लम है, तो ब्राइटनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल आपके जो फ़ोन की सेटिंग्स है आपको यहाँ पर सर्च करना है। आपको सर्च करना है ऑटो। तो सर्च करते ही आपके पास ऑटो सेटिंग्स आ जाएगी, जहाँ से आप ब्राइटनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप इसको ऑफ़ करते हैं, ऑफ़ करते ही जो आपकी फ़ोन की ब्राइटनेस प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी और जो आपकी ब्राइटनेस लेवल है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से आप ब्राइटनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पर जाकर, और आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर भी ऑटो ब्राइटनेस को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही जो ऑल आइकन्स है इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते जो फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑटो ब्राइटनेस है तो ऑटो ब्राइटनेस को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो सिंपल आपकी फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सिंपली डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप यहाँ से ब्राइटनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। इसको ऑफ़ कैसे, हमारी ब्राइटनेस लेवल ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होगी जब इसको ऑफ़ करते हैं। तो इस तरीके से ब्राइटनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ओप्पो फोन में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।